नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में बहुत ही बेहतर सवाल आपके सामने मैं उपस्थित हो गया हूँ लेकर के, और इसको आपको 100% समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सवाल कुछ इस तरीके से है कि आप इसे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद आप इसे खुद अपने आप कॉपी में लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप लगा पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, और अगर परीक्षा में आ गया तो परीक्षा में भी कर पाओगे। मजाक वाली बात नहीं, हकीकत बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझना, बस आपको समय देना है। त्रिभुज की भुजाओं से ए और बी दूरी पर त्रिभुज के कर्ण पर स्थित एक बिंदु है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक त्रिभुज ऐसा कोई है, ठीक है, इसकी यह भुजा ए है, एक भुजा ए है, ये दोनों इसकी क्या हैं, भुजाएँ हैं। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया ए बी सी। इस भुजा से कुछ दूरी पर, इस भुजा से कुछ दूरी पर, चलिए ए और बी दूरी पर, यहाँ से ए दूरी है और यहाँ से बी दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए दूरी पर एक बिंदु है कोई, ए और सी के बीच में अपने मर्जी से कोई बिंदु, मान लो चलो मैंने डी मान लिया, ठीक है। अब यह कोण थीटा थीटा मान लीजिए, ठीक है, मान लिया आपने। अब क्या करना है हमें, अब आगे पढ़ते सवाल, सिद्ध कीजिए कि कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतना है। कर्ण की न्यूनतम लंबाई यानी एसी की लंबाई आपको बताना है, एसी की लंबाई आपको बताना है। चलिए मान लिया कि एसी की लंबाई को आप स्मॉल एल से दर्शाते हो, स्मॉल एल से दर्शाते हैं। तो ए और बी देने का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप डी सी को और ए डी को ए और बी के रूप में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करने के लिए त्रिकोणमिति का सहारा लेना पड़ेगा, तो ये सहारा ले लिया जाए। हम अगर ए डी का मान निकालना चाहें तो त्रिभुज ए डी, इसमें ए बी सी डी, ई और एफ, त्रिभुज ए डी एफ में आधार कौन सी भुजा है, ए, आधार बटे कोण यानी ए बटे ए डी, आधार बटे कर्ण को क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। तो हम अगर ए डी बटा ए करेंगे, ए डी बटा ए यानी ए डी बटा डी एफ है, ए डी बटा डी एफ यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा सेक थीटा, ए डी बटा डी एफ बराबर सेक थीटा, ए डी बटा डी एफ बराबर सेक थीटा, तो ए डी बराबर डी एफ सेक थीटा, ए डी बराबर डी एफ सेक थीटा, डी एफ का वैल्यू क्या है, स्मॉल ए, तो ए सेक थीटा, समझ गए, समझ गए। इसी तरीके से आप डी सी का मान निकालिए, डी सी के मान के लिए हम बी वाला लेंगे और डी सी वाला लेंगे, ठीक है ना। तो डी सी बटे डी ई, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, डी सी बटा डी ई, इस त्रिभुज में आ जाओ मेरे भाई, सी ई डी में थीटा के सामने लंब हुआ, ये कर्ण हुआ, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब डी सी बटा डी ई, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक, तो डी सी बटा डी ई, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, तो डी ई का यहाँ गुणा हो जाएगा, तो डी सी बराबर डी ई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो डी ई का मान क्या है मेरे भाई, डी का मान बी है, तो बी कोसेक थीटा हो गया। ये सब निकालने का मतलब क्या है, मतलब है क्यों, क्योंकि मुझे एल की लंबाई ज्ञात करनी है, तो दो टुकड़ा में अभी मैंने इसे ज्ञात किया, ए डी और डी सी, देखो ए डी कहाँ है, ए डी और डी सी मैंने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एल बराबर डी सी प्लस ए डी, एल बराबर क्या, एल बराबर ए डी प्लस डी सी, चूँकि स्मॉल एल बराबर ए डी प्लस डी सी, ठीक है, तो एल बराबर ए डी का मान यहीं से ले लो, यहीं से ए सेक थीटा, डी सी का मान यहाँ से ले लो, बी कोसेक थीटा, बी कोसेक थीटा ले लिया। अब भैया कोसेक थीटा सेक थीटा मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन कर डालो, अब तो काम तुम्हारा आसान हो गया, ये हो जाएगा डी एल अपान डी थीटा,
बराबर ए इंटू सेक थीटा का अवकलन क्या होता है, होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और बी कोसेक थीटा का अवकलन होता है माइनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, हो गया। अब पहला अवकलन का मान क्या करते हैं, हम जीरो के बराबर रखते हैं, तो इसको हम जीरो रख दिए, बराबर ए सेक थीटा टेन थीटा माइनस बी कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, माइनस वाला बाएं पक्ष में और इसको रहने दो दाएं पक्ष में, और मैं मिटा करता हूँ, इसे मिटा देता हूँ। अब माइनस बी कोसेक काट इधर आएगा, तो प्लस बी कोसेक थीटा काट थीटा बराबर ए सेक टेन ए सेक थीटा टेन थीटा, कोसेक को करो साइन बी बटा साइन थीटा इंटू इसको कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ए बटे ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तिरछी तिरछा गुणा करो, साइन 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 तीन बार हो रहा, तिरछी तिरछा जब गुणा करेंगे देखो भाई, तो ए साइन क्यूब थीटा बराबर बी कॉस कॉस कॉस, तो बी कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब इधर आएगा ए इधर जाएगा कॉस क्यूब साइन क्यूब के नीचे आएगा बेटा, हे भाई सुनो, कॉस क्यूब साइन क्यूब के नीचे आएगा, साइन बटे कॉस क्या होता है टेन क्यूब बन जाएगा, ठीक है, बराबर बी बटा ए बी बटा ए, क्लियर। टेन थीटा का मान निकालेंगे तो ये तीन घात इधर चला जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या बी बटा ए की होल पावर एक बटे तीन, तीन घात इधर जाएगा तो एक बटे तीन हो जाएगा। एल बराबर इस लाइन को मुझे लिख करके सुरक्षित रखना ज़रूरी है, क्यों देखो भैया गांव में हम रहते हैं ना, अगल बगल पड़ोस के बच्चे जब धूप होता है बहुत चिल्लाते हैं, तो आज बहुत तगड़ा धूप हुआ तो चिल्ला चिल्ला के खेल रहे हैं, तो आप लोग भी अपनी उम्र में किए होंगे, आपके अगल बगल अभी भी हो रहा होगा, तो इसको क्लास डिस्टर्बेंस नहीं, इसको प्राकृतिक वातावरण के बीच में पढ़ाई करना कहते हैं, ठीक ना। तो वो हटा दीजिए बात, इधर देखिए एल बराबर ए सेक प्लस बी कोसेक, ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, इस लाइन को लिख कर रखना ज़रूरी इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि एल का मान ही तो निकालना है, बोलो न्यूनतम लंबाई, कर्ण की न्यूनतम लंबाई इतना लाना है, तो इसी में हम सेक और कोसेक का वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आएगा। अब मैं मिटा देता हूँ इधर, अब देखो तुम क्या होता है आगे, टेन थीटा बराबर बी अपान ए एक बटे तीन घात, ये एक बटा तीन है, ठीक है। अब टेन थीटा का ये मान सेक थीटा और कोसेक थीटा में रखना है, तो सेक थीटा कोसेक थीटा में रखेंगे कैसे, सेक और कोसेक का ऐसा सूत्र लगाओ, ऐसा सूत्र लगाओ कि टेन का इस्तेमाल हो जाए, तो सेक बराबर करड़ी के अंदर वन प्लस टेन स्क्वायर होता है, कोसेक बराबर होता है करड़ी के अंदर वन प्लस काट स्क्वायर, होता है ना, टेंथ एलेवन ट्वेल्व सब में तुम लोगों ने पढ़ा है, कोई कहे मुझे नहीं मालूम तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो टेन थीटा बराबर इतना आ गया, मैं लिख देता हूँ किनारे पर, टेन थीटा बराबर क्या आ गया, टेन थीटा बराबर आया है हमारा बी बटा ए की पावर एक बटा तीन। अब इसी में मान रख दो मेरे भैया, आंसर तुम्हारा आ जाएगा, एल बराबर ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, ए सेक थीटा का मान करड़ी में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, बी कोसेक का वन प्लस कट स्क्वायर थीटा। चलो मेरे भाई, ए वन प्लस टेन थीटा का वैल्यू बी बट ए की घात एक बटे तीन, बी बटा ए की घात एक बटा तीन है। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, दो घात लगाएंगे तो इस पर जब स्क्वायर करेंगे ना भैया, एक बटे तीन हो जाएगा तुम्हारा दो बटे तीन, बस यहाँ पर यही आपसे गलती ना हो, गलती मत करिएगा, आ जाएगा। कॉट थीटा का मान
इसी को पलटी देंगे, ए बटे बी कर देंगे तो कॉट थीटा बन जाएगा। इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। हाँ, तो अब क्या करना है मेरे लाल, अब ये बी के ऊपर इतना, ए के ऊपर इतना, समझो अलग अलग है, ए के ऊपर बी के ऊपर इतना घात, ए के ऊपर इतना घात है, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, ए के घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3, सही है। और ये क्या हुआ, स्क्वायर हुआ है। अभी हम ए की घात 2/3 लिख देते हैं, ठीक है, प्लस बी इंटू इसका यहाँ गुणा बी की घात 2/3 प्लस ए की घात 2/3 बटे बी की घात 2/3। अब मेरे भाई बी की घात 2/3 करणी से बाहर निकल सकता है, कैसे मैं निकाल के दिखाता हूँ, एक लाइन और है। सबसे पहला काम, मस्त काम, बढ़िया काम, देखो ऊपर बटे की लाइन के ऊपर करणी में जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, ए प्लस बी 2/3 घात बराबर है, एक ही चीज़ है बटा के ऊपर, ये आगे पीछे है और ये सीधा क्रम में है, तो हम इसी को अंश को कॉमन लेने वाले हैं। एल बराबर रूट के अंदर ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 कॉमन ले लिए तो बचेगा बाहर का ए, और ए की पावर 2/3 करणी से बाहर निकलेगा जब, तो ये 2 बन जाएगा 1, कैसे, हमने जब इसको स्क्वायर किया था तो 2/3 बन गया था, और जब स्क्वायर हटेगा तो 1/3 बनेगा ना, बोलो, तो ए की पावर 1/3 प्लस बी, यहाँ पर बी बचेगा, बटे में बी की पावर 1/3, ठीक है मेरे भाई। ये कहाँ से आ गया, यहाँ पर है, ये कहाँ चला गया, कॉमन हो के यहाँ किनारे, ये भी कॉमन हो के ये किनारे, बचा है बी, बचा है ये 1/3, क्योंकि अगली लाइन में करड़ी से बाहर निकलेगा तो 1/3 बचेगा, तो वही मैंने यहाँ लिखा है। अब क्या हो गया, इसको ऊपर उठा ले रे बाबा, इसको ऊपर उठा ले रे बाबा, उठा ले जल्दी से। तुम लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो वीडियो पीछे भगा लो, 10-20 सेकंड नोट कर लो, ठीक है। इसको अभी ऐसे रहने दो, ए की घात 2/3 प्लस बी की घात 2/3, अब इसके ऊपर 1 है, ये तो 1/3 ऊपर जाएगा तो 1 - 1/3 होगा, 1/3 ऊपर जाएगा तो इसकी 1 में से घटेगा तो 3 में से 1 जाएगा 2/3, मतलब ए की पावर 1/3 ऊपर जाएगा, इसमें से घटेगा तो ए की पावर 2/3 बचेगा, इसी तरह ये भी घटेगा, ये भी वही हुआ, समझे, समझे मेरे भाई। अब देखो क्या होता है, अब तो और मज़ा आने वाला है, गिर गया इस कोष्टक पर 1, और ये जो करड़ी है ना, इसको अगर हम ऐसे बना दें, ये जो करड़ी है इसको हम 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते 100%, और ये वाला हमारा पहले से है, बोलिएगा, ये 1 है। अब इस बड़े कोष्टक के अंदर, इसके अंदर देखो ध्यान से, ये चीज़ ये कही है, गुणा करोगे जब तो घात इसका आपस में जुड़ जाएगा, गुणा करोगे जब तो क्या होगा, घात आपस में जुट जाएगा, यानी 1/2 + 1 क्या होगा, 2 × 1 = 2 = 3, 3/2 हो जाएगा, समझे मेरे बाबू। अब देखो इसको भी मिटाता हूँ, तुम लोगों को समझा दिया हूँ, एल बराबर हो गया तुम्हारा ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 1/2 जोड़ेंगे तो 3/2, यही कर्ण की न्यूनतम लंबाई है, यही आपको सिद्ध करना था, देखिए 3/2 हमने बड़का कोष्टक लिखा, यहाँ पे छोटका कोष्टक है, कोष्टक कोई भी रहे, एक ही कोष्टक अगर है तो आप बड़का छोटका में कोई भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया होगा ये मुझे उम्मीद है, और जिसको समझ में नहीं आया उससे उम्मीद है कि वो 2 रिपीट कर लेगा, जिसको उसके बाद भी नहीं समझ में आया उससे उम्मीद है कि वो इस चैप्टर को शुरू से पढ़ेगा, क्योंकि उसका बेसिक
खराब होगा तो ये एडवांस जरूर खराब होगा। इस नाते शुरुआत पढ़ना ज़रूरी है। और आगे बढ़ेंगे कल एक नया वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।